नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मीणा एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल प्लेसमेंट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइट पर लेकर के आया हूं और मैं बात करने वाला हूं इस 100mm वॉल के बारे में। 4 इंची की ये दीवार है, इसके बारे में एक ऐसी चीज़ आपको बता दूंगा कि आप अगर इंटरव्यू में बता देते हैं तो अलग से ही आपके ऊपर जो है इफेक्ट आएगा, अलग से ही आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा उसका। तो मैं बात कर रहा हूं, ये जो 100mm वॉल है हमारे सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, जो CPWD हमारी, उस CPWD के अकॉर्डिंग आप इस वॉल को एक बारी में कितनी हाइट तक के बना सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं 100mm वॉल की, कि यहां पर बैंड देना क्यों जरूरी है। जहां पर मैं साइड पर लेके आया हूं, यहां पर बैंड नहीं दिया गया है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये गलती आपके साइड पे भी हो सकती है, तो आपको उस चीज को बचना है। मैं बताता हूं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे आप लोग देख रहे हैं, यहां पर ब्रिक वर्क किया गया है, 4 इंच की दीवार है ये 100mm की वॉल है। तो यहाँ पर जो ब्रिक वर्क किया गया है, तो CPWD ये बोलती है कि एक बारी में जो आप ब्रिक वर्क कर सकते हो 100mm की वॉल का, वो आप कर सकते हो 800 से लेके 1200mm तक, मतलब कि 0.8 मीटर से लेके 1.2 मीटर तक का ही ब्रिक वर्क कर सकते हो। अब ऐसा क्यों बोला CPWD ने, अब आप खुद सोचिए, 100mm की वॉल है। अब मैं इसको कंस्ट्रक्ट करता जा रहा हूँ 800mm तक की हाइट पर जब मैं आऊँगा तो वो सफिशियंट हाइट है। लेकिन अगर मैं उसको और ज़्यादा ले जाऊँ, जैसे कि यहाँ पर किया गया, यहाँ पर करीब इसको जो है 5 फिट की हाइट तक, 5.5 फिट की हाइट तक इसको लेकर के आया गया है। तो अब क्या होता है इस केस में, जब कंस्ट्रक्शन लगातार किया जाता है हमारी 100mm की वॉल का, तो वो कई बार जो है टिल्ट होने लगती है। और यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा भी जोर लगाऊं इस पे, तो आप लोगों ने भी देखा होगा आपके घरों की जो बाउंड्री वॉल्स हैं, आप उनमें हाथ लगाते तो वो हिलती हैं। क्यों हिलती है वो? क्योंकि वहां पर बैंड प्रोवाइड नहीं किया गया है। हमें क्या करना होता है, जैसे ही हम 800mm की हाइट को अचीव कर लेंगे, 800mm की हाइट को अचीव करने के बाद हमें एक वहां पर बैंड देना जरूरी है। आप लोगों ने सुना होगा सिल बैंड के बारे में, जब हमारी खिड़की इस लेवल पे आती है तो विंडो का जो लेवल होता है लोअर वाला, उस लेवल को हम बोलते हैं सिल लेवल। और चूंकि उस लेवल पर हम एक बैंड दे रहे हैं, बैंड कुछ नहीं है, कॉन्क्रीट का एक हम जो है लेयर उसके ऊपर डाल देते हैं, वो 50mm का हो सकता है, वो 100mm का हो सकता है, उसी को हम जो है बैंड बोलते हैं। तो यहाँ पर बैंड हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हमारी वॉल है वो स्ट्रॉन्ग रहे, लॉन्ग लास्टिंग रहे। हम सिविल इंजीनियर एक बिल्डिंग को जब डिजाइन करते हैं, तो हम ये फ्यूचर में मान के चलते हैं कि 75 सालों तक, कम से कम 75 सालों तक की इसकी एज है, उसकी लाइफ है, तो उतने सालों तक वो सेफली वहां पर खड़ी रहे, किसी भी तरह की दुर्घटना वहां पर ना हो। अगर किसी भी तरह की दुर्घटना हुई तो वहां पर जनहानि हो सकती है, और जनहानि का जो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी वो हमारे सिविल इंजीनियर के ऊपर आएगी। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम हमारी जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं वो बिल्डिंग्स एकदम सेफली कंस्ट्रक्ट करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने बात की कि बैंड देना 100mm की वॉल क्यों जरूरी है। और आप लोगों को यह चीज नोटबुक में नोट कर लेना है कि जो CPWD जो अलाउ करती है कि आप मिनिमम 800 और मैक्सिमम आप 1200mm तक का जो है एक बारी में ब्रिक वर्क कर सकते हो। अगर आप उससे ज्यादा का ब्रिक वर्क कर रहे हो तो आपको सिंपली 50mm का एक बैंड प्रोवाइड करना है, और बैंड प्रोवाइड करने के बाद आप वापस से अपना कंस्ट्रक्शन जो है 100mm वॉल का और आगे कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने 800mm के बाद में जो है क्या करना है, फिर से एक बैंड प्रोवाइड करना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने बात की 100mm वॉल में क्यों हम बैंड प्रोवाइड करते हैं। मुझे लगता है सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सामने जो लाइक का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब का जो रेड कलर का बटन है उसको भी हिट कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।